वेलकम बैक टू वंडर्स अप। आज हम देखने वाले हैं मिनी फूड वीडियोस, कुछ ऐसी वीडियोस जो देखने में भी इतनी इंटरेस्टिंग होंगी, सैटिस्फाइंग होंगी, उन्हें देख के भूख भी लगेगी बहुत ज्यादा। प्रेरणा, हम सिर्फ देखने नहीं वाले, हम ये सारी वीडियोस ट्राई भी करने वाले हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली, सच में हम ये इतने छोटे छोटे खाने बना के देखेंगे और खाएंगे भी। अगर आप चाहते हो कि हम पूरे 24 आवर्स के लिए सिर्फ मिनी फूड्स खाएं, तो डू कमेंट डाउन। एंड अगर इस वीडियो पे आते 250 लाइक्स, हम जरूर बनाएंगे वो वीडियो। तो चल फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिनी फूड वीडियोस देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तेरा फेवरेट फ्रूट तरबूज, इतना छोटू सा, ये तो मैं अगर 10 भी खा लूंगी तब भी मेरा पेट नहीं भरेगा यार। क्या ये सच में असली तरबूज है? मुझे लग नहीं रहा यार, ये पेंटिंग लग रहा है हमारे साथ। एक्चुअल में ये हो सकता है कि कोई इन्होंने और फ्रूट के ऊपर पेंटिंग कर दी हो। ये कौन सी बेकरी है जो दुनिया की इतनी छोटी ब्रेड बनाती है? कितनी अल्टीमेट पैकिंग में उन्होंने भेजा है यार, और फिर ट्वीजर से निकाला है। और वाओ यार, इतना सा बटर भी है उनके पास, से स्पून के साथ लगा रहे हैं उसके ऊपर। परफेक्ट यार, कितनी प्रिसीजन, कितनी ज्यादा पेशेंस से कर रहे हैं यार ये लोग। डबल सैंडविच। हर्ष, तूने अपनी लाइफ में कभी इतना सा बर्गर खाया है? इतना सा कभी नहीं यार, मैंने देखा भी पहली बार है, पता है। और कैसे उसको बॉक्स के अंदर डाल रहा है, टीनी टाइनी बॉक्स, टीनी टाइनी ग्लास, उसके अंदर उसने पेप्सी डाली है। रोज मैकडी पे ऐसी मील मिलने लगी तो लोग छोड़ेंगे नहीं ऐसी मील यार। ना पता है ऑर्डर कैसे आएगा, 20 मील्स पैक कर दो। नहीं ले जाऊंगी यार 20 तो। से पॉट के अंदर से उसने पैटी के ऊपर पेपर और सॉल्ट डाला है और उसे अब गूंद रहे हैं। ओह दिस इज सो क्यूट, कितना सैटिस्फाइंग है, उसको ऐसे ऐसे मशी मशी कर रहा है। गॉड, इतने से बंस यार। इस बंदे की अपनी बेकरी होगी बता। इतने नाइफ देख, कितना क्यूट है, और चिमटा भी है उसके पास पलटने के लिए। ओके, इसने बर्गर के ऊपर पैटी रख दी है, अनियन रख दी है, एंड यहाँ पे हो गया चेरी टोमेटो। सच्ची कह रहा हूँ, मैं तेरे को ये बना के खिलाऊंगा, मेरे को इतना मन कर रहा है ना बनाने का, सीरियसली खाने का नहीं, मिनी चीज। और क्या मील है। Where is my Pepsi? मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी बनाना है। हमारा मिनी किचन सेट देखने के लिए रेडी हो गाइस, लेट्स टेक यू टू आवर किचन। वेलकम टू माय मिनी किचन। देख सकते हैं मेरे पास तो फ्रूट्स भी हैं, ये मिनी चेयर टेबल है, देखो यहाँ पे मेरे पास कितने क्यूट ब्रास के कप्स हैं, एंड ये देखो कितना क्यूट सा, यहाँ पे मेरे पास कुकर भी है, सीटी लगेगी, देन यहाँ पे मिनी कार्ट भी है, ये कितना क्यूट है। तो गाइस आ गया हूँ मैं दुनिया का सबसे मिनी बर्गर बनाने, और हर्ष इसमें से मिनी बर्गर निकालने वाला है। ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। अपने आप को बड़ा हीरो बनता है, मास्टर शेफ बनता है, ये करके दिखाओ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दुनिया का सबसे छोटा बर्गर। आओ यार कितना मजा आ रहा है। अपना सब्जियां वगैरह काट ले, ऐसे नहीं मिलेगा तेरे को खाने के लिए बर्गर। अगर क्यों, ये बेचारे ऑलरेडी इतने छोटे हैं, मैंने इनकी आत्महत्या करा दी है। सबसे छोटा पीस लेना है लेटस का। इतना क्यूट सा ग्रेटर है यार तेरे हाथ में। टूटस टिक्की तैयार है। वाओ हर्ष, सच में हीट अप हो रहा है यार, ये कितना क्यूट लग रहा है। टिक्की बन गई, उसमें जो पटपट की आवाज आ रही है तो सुन रहे है, जैसे तू मुझे पकाता है बर्गर, बिल्कुल वैसे पक रहा है। अबे साले, इस पे लगाते हैं लेटस, लगाते हैं टोमेटो। अरे बड़ा सही लग रहा है यार हर्ष। गाइस दुनिया का सबसे क्यूट बर्गर, पर ये तो बर्गर बर्गर है, हमारी मील कहाँ है? ये आ गई तेरी पेप्सी और ये आ गए तेरे फ्राइज। मेरी पूरी मील तैयार है गाइस। अब तू बर्गर टेस्ट करके बता कैसा लगा। कितनी अच्छी मील है। ऐसा करते हैं हाफ हाफ खा लेते हैं। कोई टेस्ट है नहीं, चीज बढ़िया है। इट्स एक्चुअली गुड यार, सिर्फ कैमरा के लिए नहीं बोला मैंने। अभी कोक पी के देखते हैं। डिलीशियस। तेरे बर्थडे पे यही केक कटवाऊंगा मैं इस बार। हर्ष यार, ये बेकरी देख के ना मेरा दिल कर रहा है कि हम भी एक मिनी बेकरी खोल ले अपने घर पे। नहीं। ओ भाई, कोई बेकरी नहीं खोलेगी, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, नो बेकरी। ये बात भी सही है, ये भी ठीक है। व्हाइट एंड पिंक थीम, हम लोगों ने अभी मील खाई है ना गरम गरम, अभी मेरे को ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाने का भी दिल कर रहा है। अभी मैं तुझे आइसक्रीम बना के खिलाऊंगी हर्ष। सच्ची? हाँ बिल्कुल, तो देखता जा। तो इन्होंने क्या किया है कि बड़ा वाला आइसक्रीम का कोन लिया और उसको कट कर दिया। तो ये कर ही नहीं पाएगी, फेल। चुप,
Is it for real? मतलब ये सारी चीजें एक्चुअल में होती है? ओके, चॉकलेट लिया है, उसका छोटा सा एक पार्ट काटना शुरू करा है इसने, थोड़ा सा बटर लिया है, थोड़ा सा डाला इसने शुगर, एग डाला है इतना सा, वन ड्रॉपलेट, एंड में डाला है मिल्क। बेसिकली इसने एक बैटर क्रिएट कर लिया है, फ्रीज करेगा। तो इसने जो कोन है उसके साइड साइड पे जो मेल्टेड चॉकलेट है वो लगाई है, एंड स्प्रिंकलर्स लगाए हैं साइड साइड पे, लाइक प्रॉपर प्रेजेंटेशन, 10/10। ठीक है, ओ मेरा मन कर रहा है मैं इसे छीन के ले आऊं अभी के अभी, एक ही बाइट में। आप लोगों को भी मुंह में पानी आ रहा है आइसक्रीम देख के, आई एम श्योर। तो गाइस अब हम बनाने वाले मिनी आइसक्रीम, बट हम बनाएंगे मेरे स्टाइल में, बिकॉज यू नो मेरी वेरिएशन ऑफ आइसक्रीम आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। मैं यूजुअली बनाती हूँ प्रोटीन एक्स की हेल्दी वेरिएंट। तो गाइस प्रोटीन एक्स में जीरो एडेड शुगर, सिर्फ 2 स्कूप प्रोटीन एक्स डालना है और इसके अंदर मिल्क डालना है। इसमें बहुत हाई प्रोटीन और 10 इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट मींस 34% हायर इम्यूनो बूस्टर्स। जल्दी से बना के खिला मुझे आइसक्रीम ब्रेंडा। हर्ष मैं तो ये भी रेकमेंड करूंगी कि तुम प्रोटीन एक्स का इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर यूज करो टू कीप अ चेक ऑन योर न्यूट्रिएंट्स काउंट। उससे क्या होता है प्रेरणा? उससे ये पता लगता है कि तुम पूरे दिन में कितने न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हो। तो गाइस इन द मीन टाइम मेरी आइसक्रीम अभी जमती है, तो एक छोटा सा डेमो देती हूँ कि हम कैसे एक कैलकुलेटर यूज करते हैं। मुझे अपना एज नेम सब कुछ डाल के रजिस्टर करना है, उसके बाद मुझे इन्हें बताना है कि बेसिकली मैंने ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में क्या क्या खाया है, एंड देन ये मुझे बताएगा कि मैंने कितने न्यूट्रिएंट्स मैंने इनटेक करे थ्रू आउट द डे एज पर आरडीए रेगुलेशंस, मुझे और कितने न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने चाहिए। फिर ये मुझे बताएगा कि मेरी फाइनल रिपोर्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कितने न्यूट्रिएंट्स अभी और इनटेक करने हैं, जिसके लिए मैं यूज करूंगी प्रोटीन एक्स टेस्टी चॉकलेट। लुक, फाइनली मेरी आइसक्रीम रेडी है, आई एम रेडी टू रिप्लेनिश ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अभी दिन में नहीं खाए। खा लूं? ये तूने खा लिया? मैं खाऊंगी। Oh यार, it's too yummy. मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी ना, मेरे न्यूट्रिएंट्स तो ये खा गया। गाइस प्रोटीनएक्स का इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा फ्री न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेशन एंड 30 डेज का फ्री पर्सनलाइज्ड डाइट प्रोग्राम। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक इन डिस्क्रिप्शन से ऑर्डर करोगे प्रोटीनएक्स तो आपको मिलेगा 10% एडेड डिस्काउंट ऑन Amazon। ice cream chillin बहुत सारा चीज लिया है, मेल्ट कर रहे हैं कुकर के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स डाले हैं। और ये डिप बनाई है इन्होंने नाचोस के साथ खाने के लिए। बार बार मेरा ना नाचोस खाने का मन कर रहा है, बट ऐसे तू ना हर चीज देख के तेरा मन कर रहा है खाने का। भाई साहब ने स्ट्रॉबेरी ली है और उसको कट कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी थी छोटू होती है और उसको और कट करा और उसको जार में डाला। जार है ऐसा? ब्लेंडर? हाउ कैन इट बी अ ब्लेंडर? यार ये मिलता है सच में? यार मुझे तो ना फेक लग रहा है, सच्ची बता। एक बार सर्च करें अमेज़न पे। यार इतना छोटा सा ब्लेंडर, प्रॉपर स्ट्रॉबेरी जूस बन गया, बता। वाओ वाओ, बिल्कुल जैसे बार्बी वर्ल्ड नहीं होता, बिल्कुल वैसा उनका खाना होता है, जैसे छोटी छोटी बार्बीज का छोटे छोटे कलरफुल एकदम सब कुछ कलर्ड एकदम। आई नो, सो क्यूट। हमारे पास पिज्जा का डो आ गया है, कि पिज्जा का डो भी खुद प्रिपेयर कर रहे हैं यार, बहुत ज्यादा पेशेंस है। ऐसी कोई शेफ नहीं बन जाता। अब उसकी फिलिंग के लिए उसने बहुत सारी चीजें ली है। ओके, ड्रेसिंग स्टार्ट हो गई है पिज्जा की। केचप, चीज, कैप्सिकम, यम, और बहुत सारा मोज़रेला। पिज्जा हट का पिज्जा रेडी, डिलीशियस। ये खिला देना। गाइस अगर आपको ऑप्शन मिलती है तो आप क्या चूज करोगे, मिनी पिज्जा फ्रॉम वॉन्डरर्स अप या फिर मिनी पिज्जा फ्रॉम पिज्जा हट? तो आप प्रेरणा किचन में हम बनाने वाले हैं स्पेशल मिनी पिज्जा। यार ये टोमेटोस को काटना भी ना, और वो भी इतने छोटे, अपने आप में एक स्ट्रगल है। मिनी फूड्स बनाना बहुत चैलेंजिंग है यार। अबे तेरे से तो नॉर्मल फूड बनाना भी चैलेंजिंग ही है। ये ग्रेटर कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ यार ये बहुत क्यूट है। सॉल्ट एंड पेपर डालते हैं एंड इसे तवे के ऊपर सेकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड यहाँ आ गया हमारा पिज्जा, इसको कवर कर देते हैं। 5 minutes later पिज्जा की क्या सिचुएशन है आप देखनी पड़ेगी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत भूख लग रही है और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है यार। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा हर्ष, लेट्स ओपन इट। इतना क्रंची है प्रेरणा, मजा आ गया सच में, मजा आया। पैन लिया है, उसके अंदर बटर डाला है। क्या करने वाले हैं? पता नहीं क्या करने वाले। सॉल्ट ऐड किया है। पॉपकॉर्न्स बना रहे हैं। यार ये तो सारे उड़ जाएंगे। अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट, ग्लास से कवर करती है। और स्टार्ट करके मूवी देखने जाओ और ये पॉपकॉर्न टब मिले तो अच्छा है। इतने से टब में कितने लोग खा लेंगे। बहुत सारे बटर में हम डालेंगे पॉपकॉर्न।
लड़की कितने प्यार से कुकिंग कर रही है, वैसे से कोई काम कह दो। इतने डिफरेंट टाइप की कुकिंग है यार ये, मिनी कुकिंग, ये मतलब इतना सैटिस्फाइंग है ना, रियली ये फीलिंग है सबको पता है। ट्राई करो कभी, आपको मतलब एंजाइटी हो, कोई मूड खराब हो, ये करो यार, सैटिस्फाई हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इसे कवर कर देते हैं। 5 minutes later. यार वाओ, मिनी पॉपकॉर्न एंड मिनी प्लेट। क्रंची है। मैं तुझे एक बात बताऊं, ये सारे फूड्स ना उन लोगों के लिए जो हर्टन डाइट पे रहते हैं, मतलब तेरे लिए। पेट कैसे भरेगा यार, पर बंदे की मतलब तमन्ना भी पूरी हो जाए और कुछ खाए भी ना वो। नहीं यार मैं नहीं मान सकती, इससे सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती पूरी यार। दिल करेगा और खाओ और गिव मी मोर। ओह ये कितना क्यूट है, अलमीरा है पूरी मिनी फूड्स की। अपनी गई है वेल में से पानी निकाल के लाई है, इसने कुकर पे सीटी लगा दी है और ये अभी क्या करने लगी है, ये रेमन बना रही है। इतने छोटू से रेमन यार, मुझे खाने का मन कर रहा है। मेरा भी मन कर रहा है, बना दे मेरे लिए प्रेरणा। पर यार तू बिलीव करेगा कि इतने से रेमन, इससे पेट भरेगा। एक चम्मच रेमन की कीमत तुम क्या जानो हर्ष बाबू। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं बस, एक्चुअल में कितने सैटिस्फाइंग लग रहे हैं। पेट वही भरेगा पता है, देखने से ही भरेगा। सैटिस्फेक्शन, तसल्ली। पैनकेक मिक्स लिया है और तवे के ऊपर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट से डाल दिए। जलेबी जैसे बनती है ना वैसे बना दिए। जलेबी भाई यार कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम से फूल गया है डो। और बहुत सारे मिनी पैनकेक्स रेडी, और उसपे सिरप डाल दिया, मेपल सिरप डाला है। खाने प्रेरणा ये नहीं, मुझे नहीं खाने। करवाली बेइज्जती। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम लोग काफी थक गए हैं मिनी फूड्स बना बना के। ये ना सिर्फ दिखते ही मिनी है, काम पूरा वो जॉइंट वाला ही करना पड़ता है यार। एक्चुअल में ये ज्यादा मुश्किल है यार, इतनी पेशेंस हमें है ही नहीं। पेशेंस यार, कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार ये किचन विचन के काम में वैसे भी। तो गाइस इसी नोट पे खत्म करते हैं आज की वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थंब्स अप, सब्सक्राइब टू वंडर्स अप, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।